ये देखो जी, लो जी पहुंच चुके हैं झींगा फार्म हाउस के अंदर और आपको दिखाएंगे। देखो कितना बड़ा प्लांट लगा रखा है ये कम से कम 11 किला के अंदर यहाँ प्लांट लगा हुआ है और झींगे इसके अंदर है। पानी के बिल्कुल डाउन मिलेंगे आपको सबसे नीचे। ये जो लगा रखे हैं ये ऑक्सीजन के लिए है ना डॉक्टर साहब? एरेशन के लिए है ये, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो नीचे झींगे हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके। और ये वायर किस लिए लगाएगी ऊपर तार सी है? ये कोई पक्षी आए उनको देखने आ गए। हाँ ये देखो पक्षियों के बचाव के लिए, आपको दिख भी रही हूँ थोड़ी थोड़ी, पक्षियों के बचाव के लिए लगाई गई तारें ताकि वो यहाँ अंदर ना आ सके। और ये एक काफ़ी अच्छा बिजनेस रहता है। देखो बहुत सारे, मतलब 11 किलो के अंदर अंदाज़ा बता रहे हैं भाई, 11 किलो के अंदर यहाँ लगाई हुई है झींगा को। और पानी की सप्लाई यहाँ पे प्योरीफाई करते रहना ज़रूरी है, ये नहीं भाई ख़राब पानी, एक और पानी डाल दिया दोबारा चेंज नहीं करना। देखो पानी की सप्लाई भी यहाँ रेगुलर चलती रहती है, ये आप देख पा रहे हो। कितने टाइप के अंदर पानी की सप्लाई करनी पड़ती है? अलग अलग, जैसे इसके अंदर कंसेंट्रेशन देखनी पड़ती है, पीएच कितनी है, टीडीएस कितना है, वो वैल्यू चेक करके उसके बाद इसके अंदर पानी। अच्छा, पीएच हो गया, टीडीएस हो गया, पानी का वो सारी चीज़ें चेक करके फिर पानी को उसको प्योरीफाई करने के लिए अमोनिया की कंजप्शन देखनी पड़ती है भाई, कितनी है कितनी नहीं है। ये देखो सारे के सारे, अगर आपके पास ज़मीन है अच्छे से और आपके पास जगह है, पानी है, तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। बड़ा ज़्यादा मुनाफा है इसके अंदर, आप इस मुनाफे से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। और आपको इस फार्म हाउस की विजिट करनी है तो ये जींद रोड पे रोहिला फार्म हाउस है, यहाँ आके आप विजिट कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ आके जिन्होंने ये लगा रखा है उनसे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। आज हम इसलिए आए हैं ताकि हम भी आगे एक फार्म हाउस ऐसा, जो ऐसा प्लांट है, ऐसा झींगा फार्म हाउस ऐसा खोल सकें। इसमें मछली पालन भी कर सकते हो आप, यानी वे सारे में झींगा है, कुछ में मछलियाँ भी डाल रखी है, ताकि ये देखो जो मरा हुआ वो ऊपर आ जाता है। देखो जिसकी डेथ हो चुकी है वो झींगा ऊपर आ चुका है, देखो इसको निकाल देते हैं। इसको जब सफाई की जाती है पानी की, ये देखो बहुत सारे हैं, देखो दिख रहे हैं ना आपको भी, जो रेड रेड कलर में दिख रहे हैं, लीफ नहीं है, झींगा है ये, इनकी डेथ हो चुकी है और ये ऊपर आ चुके हैं। ये देखो सेम एज इट इज यहाँ पे भी, तो एक काफ़ी वैल्यू है इनकी। तो ये प्लांट देख रहे हो आप, 400 रुपये किलो का रेट है इनका झींगा का। ये देखो सारे ऊपर आए हुए हैं, जो मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है वो सारे ऊपर आ जाते हैं। ये देखो एरिएशन के लिए लगाए गए हैं ये एरिएटर, इसके द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। ऊपर जाल आपको दिखा दिया, आगे आगे जा रहे हैं, 11 किले के अंदर है, बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ है। और यहाँ देख सकते हो पानी का, देखो ये कितना ख़राब पानी है, यहाँ आते देखो पानी का अलग अलग ही आपको दिख रहा है, ये अलग है। तो इनकी कुछ एक की सफाई हो नहीं रखी, कुछ एक की सफाई हो रखी है, जिसके अंदर सफाई हो रखी है उसके अंदर झींगा डाला हुआ है। तो पानी के लिए बीच बीच में देखो एक ये डोल सी बनाई गई, दीवार सी बनाई गई है, इसके ऊपर पानी का सारा सिस्टम यहीं से चलता है। ये पाइप इसके अंदर बीच के अंदर दबा के, और दोनों साइड से देखो पानी का भी अच्छा तरीके से सारा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ता है अगर आपको झींगा पालन करना है। अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर हीट मिल गई, इनको टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो उनकी डेथ हो जाती है, तभी तो पानी का एक्सचेंज होना ज़रूरी है इसके अंदर। और वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर रहते हैं, बिल्कुल छिपे हुए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, ठंडा इलाका चाहिए, तो नीचे बिल्कुल ठंडी ठंडी होती है और वहाँ पे वो रहते हैं। ऑक्सीजन इसका बार बार चेक करते रहना चाहिए, बार बार टीडीएस चेक करते हैं, बार बार पीएच चेक करते हैं। तो एक थोड़ा मेहनत का काम तो है, पर एक बिजनेस जिसके पास अच्छी खासी ज़मीन हो तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आपके लिए साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा मोटा मुनाफा इसके अंदर आप कमा सकते हो। ये देखो इसका पानी, इस जो ये होद बनाया गया है इसका पानी थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए दूसरे में पानी दूसरे उसके अंदर डाला जा रहा है, ताकि इसको बिल्कुल खाली करके और दोबारा साफ पानी इसमें अंदर डाला जा सके। ये देखो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ख़राब पानी जो इसमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सामने आप देख रहे हो दूर दूर तक सारे प्लांट ये लगाए हुए हैं, होद बने हुए हैं, लाइट का यहाँ अच्छा प्रबंध किया हुआ है। देखो
जो ये सारी करंट की वायर हैं लगी हुई है यहाँ पे, ये पानी के लिए देखो यहाँ से सप्लाई आप ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, सारा चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ता है और तभी रह के तभी आप झींगा पालन अच्छे से कर सकते हो। यहाँ बैठने के लिए जगह बनाई गई है और इनकी देखभाल करने के लिए भी यहाँ पे बैठ सक, पूरा दिन ड्यूटी देनी पड़ती है, एक पर्सन तो ज़रूरी है यहाँ पे। देखो तो ये शानदार अनुभव आज का, और फिर भी आपको कुछ जानकारी अगर एक्स्ट्रा पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि झींगा पालन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, किस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा झींगा पालन होता है, और हरियाणा में किन किन जगह पर होता है, और कौन कौन झींगा पालन कर रहा है। तो देखो पूरा हमने जितना विवरण हम दे पाए वो हमने दिया झींगा पालन का। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल पानी ब्लैक हो चुका है, वहाँ आपको ग्रीन ग्रीन पानी दिख रहा होगा, दूसरे तालाब में थोड़ा साफ पानी था, और ऐसे ऐसे करते अलग अलग प्लांट बनाए गए हैं। एक प्लांट में गंदा पानी होता है उसको दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है, उससे गंदा पानी उससे अगले में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये लास्ट का बचा हुआ जो पानी है ना बिल्कुल कूड़ा कचरे वाला जितना भी पानी है ये वाला देखो बिल्कुल गंदा आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो के अंदर, पर जैसे भी थोड़ा सा ध्यान से देखो देखो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, बिल्कुल काला पानी देखने को आपको यहाँ मिल रहा है। जो वेस्ट बच जाता है उसको ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी अगर गड़बड़ हो जाती है पानी ट्रांसफ़र करने में, मतलब कि एक दिन इसके अंदर छोड़ दिया अपने ज़्यादा करा ख़राब पानी के अंदर, तो सारे सारे झींगों की डेथ हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात यही है कि अपने को झींगा पालन जब भी करते हैं या फिर मछली पालन जब भी करते हैं उनकी सही मात्रा में उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, सही मात्रा में उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, ये सारी चीज़ें एक प्रचुर मात्रा में मिलनी ज़रूरी है। ये देखो एरिएटर, ये देखो ये एरिएटर लगाए गए हैं। ये एरिएटर का मतलब क्या होता है, ये जैसे ये ना ये वाले ये पंखे टाइप हैं, ये पंखे घूमते हैं बाहर की एयर को पानी को पलटते हैं, मतलब ये बोल दिया जैसे ही पानी को पलटेंगे तो ऊपर वाली ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और नीचे वाली जो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो भी गैसेज है वो बाहर आ जाएगी। तो ये एरिएशन ऐसे लगाए गए हैं इसके अंदर, शाम के टाइम बताते हैं कि शाम के टाइम इसको एरिएशन टैंक को चलाते हैं ताकि पूरी पूरी ऑक्सीजन इसके अंदर डिजोल हो जाए और इसको इसके अंदर जो भी इनका फीड है फूड है डालने का एक अलग तरीका है, उस तरीके से फीड डालते हैं यहाँ पे। और देखो सामने कर्मचारी भी यहाँ रखे हुए हैं, इन्होंने कम से कम 7-8 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा प्लांट जो है बनाया गया झींगा पालन का, बड़ा ही शानदार अनुभव है। इसके बारे में जितनी नॉलेज गेन की जाए एक अच्छा मज़ा सा रहा है भाई, और भी चीज़ें जाने और भी चीज़ें जाने। तो जो भी चीज़ें आपको पता हो तो ज़रूर झींगा पालन से रिलेटेड या फिश पालन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता हो तो ज़रूर विशेषकर अपने कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम अपने और भी व्यूअर को इसके बारे में बता सकें किस चीज़ की। जैसे अमोनिया को देखने के लिए अमोनिया की टेस्ट किट आती है, अमोनिया सॉल्यूशन बनाने के लिए, जैसे नाइट्रेट देखना है उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, और पीएच के लिए ये अलग अलग टेस्ट। अच्छा अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग वो है दवाई है अमोनिया के चेक करने के लिए। अगर ज़्यादा आ जाए फिर डॉक्टर साहब ज़्यादा आ जाए तो दवाइयों के साथ इनको ठीक कर देते हैं फिर वो। अच्छा ये तो ये दवाई है इसके अंदर डलती है भाई, इसे पता लगता है कि भाई कितना पीएच है कितना अमोनिया है कितना नाइट्राइट है, सारी चीज़ों का पता लग जाता है। नाइट्रेट कितना है इसका पानी का सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डाल के आप फिर देख लेते हैं। अच्छा अच्छा देख लेते हैं इनका वाटर का कलर आता है उसके अकॉर्डिंग आप इनको इनका देख लेते हैं भाई इसकी पीएच रेंज कितनी आ गई, इसका अमोनिया क्या है, नाइट्रेट कितना है, इसके अंदर नाइट्रेट कितना है, ठीक है जी ठीक है, नाइट्राइट कितना है, इस तरह से अलग अलग आती है। ठीक है जी डॉक्टर साहब। फीड रूम बनाए गए हैं अलग से, ये सारी चीज़ें मेडिसिन है भाई, ये फीड रूम है, ये नमक भी डाला जाता है इसके अंदर, और ये फीड डालने के लिए बाल्टी यूज करते हैं। चला दिया भाई रेटर, देखो सारे ऑन कर दिए, फीड डालने के बाद 2 घंटे के बाद चलाते हैं इसको। अब ये सारी जो भी ऑक्सीजन की जो भी अमाउंट इनको चाहिए इसको कंप्लीट कर देगा ये रेटर। एक एक पौध के अंदर ये 4 लगाए गए हैं देखो, तो ये रेटर ऑन हो चुके हैं सारे के सारे पौध के अंदर, खाना डालने के बाद 2 घंटे के अंदर इसको ऑन कर दिया जाता है। एरिएटर ऐसे फंक्शन करता है, ये पंखड़ियाँ घूमती है ऐसे, पानी को ऊपर फेंकती है नीचे हवा को डालती है प्रेशर से। हम नहीं अभी झींगा निकाल के भी देखेंगे, टेस्ट करें वो कैसा झींगा निकलता है, कैसे 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 पहुँच चुके हैं सारे, मैं भी जा रहा हूँ फटाफट चलते हैं भाई। ये भाई इसके अंदर जाल लगाया गया, इसको देखो ये वो देखो ये झींगा बाहर आ गए,
ये देखो जी, कितनी देर तक जीतते रहते हैं व्यापार? ये देखो कितनी देर जीतते रहते हैं, मर जाते हैं क्या? इससे कैसे पता चलता फीड खाली इसने? फीड का कैसे पता चलता फीड खाली इन्होंने? खाली है फीड तो इसमें डालते हैं ना, इसमें रहता है फीड, इसको खा दिए खत्म कर दिया। देखो बिना पानी के ये क्या नाम है, बिना पानी के जल्दी से मर जाते हैं, देख रहे हो। खाने का पार्ट कौन सा होता है इसका, कौन सा पार्ट खाते हैं भाई? खाते कौन सा है दिखाना इसमें एक बार? खाना खाता है? हाँ हाँ ना, जो आप खाते हैं खाने से, अपने खाने के लिए जो कौन सा यूज होता है इसमें वो बताओ। ये वाला मुंडी को फेंकना पड़ता है, ये वाला तो खाते हैं। अच्छा मुंडी मुंडी को फेंकना पड़ता है। तो ये था झींगा, हमने बाहर निकाल के भी दिखा दिया बस स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तालाब का इसी के अंदर रहता है खाने के लिए, इसी के अंदर नहीं है में आधा डालते हैं, आधा इसमें करते हैं, इसमें 1 kg में 15 ग्राम करके, 1 kg में 15 ग्राम फीड डालते हैं। इसमें 1 kg में 15 ग्राम फीड डालते हैं भाई। अच्छा इसमें तभी आ जाते हैं, इसको अंदर नहीं करोगे, इसको अंदर नहीं करोगे? तो ये जाल लगाया गया देखो, इसको ऐसे उठा के अंदर डाल देते हैं और ऐसे उठा के बाहर कर देते हैं। फीड क्या खाता है? फीड में कुछ क्या आता है इसमें? बॉयलर खाता है, बॉयलर के लिए खाना लाता है ना, वही वाला। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं। लो भाई साथी ने बता दिया भाई, ऐसे ऐसे फीड डालते हैं। वो आगे फिर से निकाल के दिखा सकते हैं। और लाइट का प्रबंध है, यहाँ पर जनरेटर लगाए गए हैं, लाइट की सुविधा बंद होती है जनरेटर चला दिए जाते हैं, ठीक है। वैसे जो गांव से लाइट आती है वही लाइट यहाँ 16-17 घंटे लाइट आती है, और बीच में अगर लाइट चली गई तो ये एरिएटर चलाने ज़रूरी है। खाना डालने के बाद 2 घंटे के बाद इसको चलाना ज़रूरी है। 4 बार खाना देते हैं, 4 बार खाना मिलता है इनको, 6 बजे, उसके बाद 10 बजे, उसके बाद 2 बजे और उसके बाद 6 बजे। और 2-2 घंटे के खाना देने के बाद 2 घंटे गैप के अंदर इसको क्या किया जाता है, फिर एरेटर चलाए जाते हैं। देखो झींगा इसके अंदर फीड है और झींगा आगे देखो बाहर एक बार फिर से देखो। ये छोटे वाले थोड़े भाई, इसका साइज छोटा है, ये खा भी सकते हैं क्या अपने को? डंग डुंग होते हैं इनके, कहाँ होता कांटा? दोनों तरफ से मारता है। अच्छा तो इनके अंदर कांटे भी होते हैं भाई, ये फीड है देखो। ऐसे नहीं होता है ना, किसी की वजह से मार जाता है यार, उल्टी नहीं होता है। तो आपने कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया करते हुए? कितने साल का हो गया? पहली बार किया है? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। कहाँ से हो वैसे आप? कहाँ से हो? उड़ीसा से हैं भाई, भाई साहब, और स्पेशल उड़ीसा से लेबर बुलाई गई है यहाँ पे। अपने जो यहाँ लोग रहते हैं जो काम करते हैं उनको थोड़ा इसके बारे में पता नहीं होता, तो उस साइड इलाके में बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ इनको वहाँ से बुलाया जाता है। तो देखा आपने झींगा का कितना शानदार कल्चर किया जाता है। करवाती है उड़ीसा में, सीफा है कंपनी एक, वो ट्रेनिंग करवाती है इसकी, गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो उसकी ट्रेनिंग करवाता है सीफा, सारी फिशरीज की भी, इनकी भी, सब की करवाती है सीफा। तो आपने देखा आज ये कल्चर, झींगा का पालन ऐसे होता है। अगर आपको भी लगाना है तो आप ये इनिशिएटिव ले सकते हो, यहाँ आके देख भी सकते हो। ये जींद रोड पे, जैसे ही बरवाड़ा से निकलोगे 5 किलोमीटर दूर बरवाड़ा से, ये जींद रोड पे स्थित झींगा पालन, यहाँ आके आप यहाँ पे कर्मचारियों से या फिर जिसका ये है उनसे पता कर सकते हो कितनी कॉस्ट आती है, कितने इसके अंदर दवाई डाली जाती है, कब कब इसका पालन होता है। और सर्दियों के अंदर नहीं होता है, गर्मियों के अंदर मार्च के बाद इसका कल्चरिंग की जाती है। तो ये था झींगा पालन। आज इस विजिट का बड़ा ही शानदार अनुभव लेके हम जा रहे हैं डॉक्टर साहब, और भी कुछ रहता हो बताओ। ये जो झींगा पालन है, लिटोपिनस विनामी एक ये वो है इसकी, उसकी ये खेती की जाती है, एक तरफ से उसकी कल्चरिंग की जाती है। लिटोपिनस विनामी इसका साइंटिफिक नेम है, और इसकी कल्चरिंग की जाती है, और ये काफ़ी हाईली इफेक्टिव कॉस्ट पे बिकता है। जैसे इसका वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। पहली बात तो इसको डॉक्टर साहब उगाते हैं क्यों, लगाते क्यों, कल्चर करते क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूट्रास्यूटिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो मतलब
दवाइयों बढ़ाने के, बहुत सारी दवाइयों बढ़ाने के अंदर काम आते हैं, कोलाजन है, जेलेटिन है, मतलब ओमेगा 3 ओमेगा 6 एटसेट्रा, इस तरह के बहुत ज़्यादा इसके न्यूट्रास्यूटिकल कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो दवाइयों मेडिसिन बनाने के और न्यूट्रिशन के अंदर बहुत, जैसे आप कह सकते हैं अपने जोड़ों के दर्द में जो ओमेगा 6 7 जो सुनते हैं मछलियों से प्राप्त होता है, मछली से वो इसके अंदर मिलता है। अच्छा, जो कोलाजन है, जेलेटिन है, वो इसके अंदर मिलता है, फिश से ज्यादा प्रेजेंट होता है ना, फिश से ज्यादा प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर से सिर्फ एक काजू की शेप का मतलब वो बच जाता है, बाकी सारा नॉन एडिबल में आ जाता है, और नॉन एडिबल से भी आप काफी चीजें एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें हमें बताई कि जो झींगा होता है ना उसका थोड़ा एक पार्ट ही यूज होता है जो कि दवाई बनाने के लिए काम आता है, बाकी उसका जो नॉन एडिबल पार्ट है ना, उस नॉन एडिबल पार्ट से भी आप बहुत कुछ बना सकते हो एक्स्ट्रा चीज़ें। तो इतनी कुछ चीज़ें अपने को सीखने को मिली कि मछलियों से ज़्यादा यूजफुल होता है ये, और झींगा पालन किस लिए किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा यूजफुल होगी ह्यूमन बॉडी के लिए, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जैसे कि आजकल जोड़ों के दर्द की दवाई बनती है या और भी बनती है, बहुत सारी मेडिसिन इनसे बनाई जाती है, इसलिए इसकी कल्चरिंग यहाँ की जाती है। तो आज की वीडियो यहाँ तक, अगर हमें और भी कुछ अच्छा पता लगेगा, अच्छी विजिट कहीं होगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ यूं ही नई नई वीडियो, तो मिलते हैं आपके साथ एक बार फिर से ब्रेक के बाद।